अब हम NTN बनाने के लिए अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फॉर्म जो ऊपर बटन दिए गए हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, रेक्टिफिकेशन, रिफंड और विदहोल्डिंग टैक्स। इस रजिस्ट्रेशन में 181 का फॉर्म सिलेक्ट किया जाएगा। 181 फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस सेशन में हम इसमें चेंज इन पर्टिकुलर के लिए इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। जिनका नहीं बना है वो उनके लिए न्यू फॉर्म आ जाएगा और नेम ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड होगा। अब यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर नाम सेलेक्ट करता हूँ और पीरियड कि ये किस टैक्स ईयर में हम चेंजिंग करने जा रहे हैं। अब इस वक्त हम फिस्कल ईयर 2017 में चेंजिंग कर रहे हैं और यहाँ से हम सर्च का बटन क्लिक करेंगे। इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे 5 जुलाई 2016 से 30 जून 2017। अब ये इस ईयर को सिलेक्ट करने के बाद 181 का फॉर्म हमें शो कर देगा। अभी कंप्यूटर प्रोसेस कर रहे हैं। वन एटी वन का फॉर्म रेडी हो गया है। अब इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे पर्सन डेटा तो ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है। उसके बाद इसमें अगर हम कोई रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज करते हैं, प्रॉपर्टी सिलेक्ट करके उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं और यहाँ प्लस का बटन करेंगे और प्लस के बटन के बाद इसी तरीके से ये डेटा हम फॉर्म फिल कर लेंगे और उसको ओके कर देंगे। अगर कोई बिज़नेस ऐड कर रहे हैं तो बिज़नेस भी किया जा सकता है, लेकिन हम सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरीड पर्सन के लिए सिर्फ जस्ट लिंक के ऊपर कनेक्ट करना होगा और जहां हमारी जॉब है उस कंपनी का हमें यहां NTN नंबर ऐड करना होगा और यहां जाकर प्लस पर हम बटन क्लिक करेंगे और अपनी कैपेसिटी यहां पर बताएंगे। हम एज़ अ एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पर जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसका यहाँ NTN नंबर या कंपनी का नाम डालकर सर्च कर देंगे तो वो हमें बहुत सी ऑप्शन देगा। और हम अपनी अगर तो NTN नंबर डाल रहे हैं तो सिर्फ NTN नंबर से कंपनी आ जाएगी। यहाँ इसने ऑप्शन भी हमें देगा कंपनीज के नेम की। जी यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं। जी जब हम NTN के ज़रिए सर्च करेंगे तो लास्ट डिजिट नहीं डालेंगे, सिर्फ फर्स्ट 7 डिजिट ही काफ़ी होंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद हमारी अगर फुल टाइम जॉब है तो 100%, अगर हम पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 50% या जितनी भी परसेंट वर्किंग कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पर एंटर कर देंगे। स्टार्ट डेट, जिस डेट से हमारी जॉब स्टार्ट हुई है वो यहाँ सेलेक्ट कर दी जाएगी और एंटर करके इसको हम ओके कर। अब यहाँ हमारे पास ये सिलेक्ट हो गया है। अब ये फॉर्म सेव करने के बाद इसको हम इधर से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद, क्योंकि मुझे चेंजिंग नहीं करनी इसलिए इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सेव करने के बाद और सबमिट करने के बाद ये डेटा हमारा यहाँ कंप्लीट टास्क में चला जाएगा और कंप्लीट टास्क में ये शो होगा 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जब ये डेटा हमारा FBR की तरफ से अप्रूव हो जाएगा तो इसी बॉक्स में कंप्लीट टास्क में एज अ 181 ऑर्डर टू ग्रांट रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन आ जाएगा।
इंडिया हमारा एनटीएन बन चुका है। थैंक यू।